पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कीर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कीर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष आर के सैनी उर्फ राजेंद्र भैया ने की। बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण व कपूर कंपनी पुल के विशेष चर्चा की गई। इसी क्रम में संगठन में पुरुष व महिला विंग की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इस अवसर पर नेपाल सिंह पाल, पर्यावरण सचिव बीपी सिंह, चंद्रभान सैनी, गोलू अरोड़ा, रविता पाल, एडवोकेट सुखवीर राष्ट्रवादी, सरोज ठाकुर, बाला देवी, शिव कुमार सैनी, उर्मिला देवी, आलोक सैनी आदि उपस्थित रहे। संचालन करते हुए पर्यावरण सचिव नेपाल सिंह पाल ने उपस्थित सभी नागरिकों से आने वाले त्योहार रंगों के पर्व होली की इको फ्रेंडली होली के रूप में मनाने की अपील की। अध्यक्ष आर के सैनी उर्फ राजेंद्र भैया ने सभी का आभार व्यक्त किया। बैठक का आयोजन क्या उद्देश्य रहा बैठक में? देखिए, आज पीतलगढ़ स्थित मुख्य कार्यालय पर कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण मासिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पॉलिथीन छोड़ो, पानी बचाओ और नशा मुक्ति जैसे अभियानों पर गंभीर चर्चा की गई है। समस्त पदाधिकारियों ने इसको उठाया है और साथ ही कपूर कंपनी का जो पुल है उसके लिए भी लोगों ने आग्रह किया है कि पुल जल्द से जल्द बने। इन सभी उद्देश्यों को लेते हुए हमने समाज के हित में कई सारे निर्णय लिए हैं। आने वाले समय में हम गरीबों के लिए और समाज हित में जो जो कार्य हम कर सकते हैं उसकी समीक्षा की गई है। इस तरीके हमने सस्ते खाने की एक समीक्षा की है और पर्यावरण पर हम काम कर रहे हैं। ऐसे कई सारी योजना है जिस पर हम आगे चल के काम करेंगे, वर्क करेंगे। इसी उद्देश्य को लेते हुए हमने कुछ कार्यकारिणी का आज गठन किया है, जिसमें जेंट्स कार्यकारिणी का और महिला विंग कार्यकारिणी का अलग गठन किया है, क्योंकि कार्यकारिणी जब हमारी मजबूत होगी तो हम समाज हित में अच्छे कार्य कर सकते हैं और हर क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं। इसलिए मेरा जो है उद्देश्य और मेरा प्रयास है कि समस्त महानगर में प्रत्येक कोने से कार्यकारिणी का गठन किया जाए, अच्छे लोगों को जोड़ा जाए, महिलाओं को भी आगे जोड़ा जाए, कुछ महिलाएं भी आगे इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और समाज सेवा करें, ताकि कुछ महिलाओं को उन महिलाओं समाज सेवी महिलाओं के जरिए कुछ गरीब महिलाओं को भी रोजगार मिल सके और कुछ सुविधा मिल सके, ये मेरा उद्देश्य है। बाकी आने वाले समय में इसको प्रदेश लेवल पे और भारतवर्ष में इसको फैलाया जाएगा। आज के साथ जय हिंद।